एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की देखरेख में सरकार चल रही है और वे खुद रामलला के प्रसाद के लिए लड्डू बना रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महाकाल मंदिर की तरफ से 5 लाख लड्डू भेजे जाने हैं। अब तक 4 लाख लड्डू बनकर तैयार हैं। ये सारा काम मुख्यमंत्री की देखरेख में ही चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकालेश्वर मंदिर जवासिया स्थित महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे, जहां उन्होंने लड्डू इकाई में लड्डू निर्माण का जायजा लिया और खुद भी बैठकर लड्डू बनाए। उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रसाद के लिए 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे, जिनमें से अब तक 4 लाख लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मोहन यादव ने बताया कि 5 लाख लड्डुओं को अयोध्या भेजने के लिए 5 ट्रकों की मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी से वर्षों पुरानी इस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है, जब हम सब जानते हैं कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ काम में लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस हिंदू मुसलमानों का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।